अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कमल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कद्दू का हलवा। इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई इसे मीठा घिया कहता है, कोई इसे कद्दू कहता है, पेठा कहता है, तो आप जो कहते हैं वो कह सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या चीज़ें डलती हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यहाँ मैंने ले लिया ये कद्दू 1 किलो, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। पाउडर मिल्क 1 कप, घी 1 कप, चीनी 1 कप, खोया ले लिया है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसलिए ये इतना हार्ड हो रहा है, लेकिन जब तक ये पकेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास है 350 ग्राम, और लिक्विड मिल्क ले लिया है 1 किलो। चलें अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले दूध, और कद्दू को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इस बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अब इसको ढक्कन ढककर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये खुश्क ना हो जाए। ये देखें, ये ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। और साथ साथ इसमें घी डाल दूंगी। और इसको अब पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब थोड़ा सा ये पानी हो जाएगा क्योंकि जो चीनी है वो शीरा बन जाता है, चीनी का जो शीरा होता है वो थोड़ा पानी पानी सा लगता है। तो इसको अच्छी तरीके से अब भुनाई करेंगे। फ्लेम इसका हम हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं अब ये भुनने लगा है, तो इसको हम भुनते जाएंगे। और साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी पाउडर मिल्क। ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी खोया। और ये देखें कितना अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया है। और बस इसको मिलाकर और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो आपके पास है मौजूद है तो वो डाल दें। मेरे पास अखरोट और किशमिश है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और पिस्ता जो है वो मैं बाद में डालूंगी गार्निशिंग के वक्त। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डिश में निकाल दिया। इतना खूबसूरत और बहुत मज़े का हलवा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।